अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दोपहर के 1:45 बजे हैं और 3 बजे जो है वो स्टोन की पेज गई है। बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी होगी और उसके लिए अभी चूंकि 1.25 घंटा बाकी है तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए अभी तो कुछ भी नहीं है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे बर्फ ही बर्फ नज़र आएगा। और सुना है कि 4-5 फीट बर्फ जो है यहाँ पड़ने का पेशगोई है कि आज जो है सैटरडे है, 4-5 फीट बारिश भी होगी, बर्फ भी पारी भी होगी और स्टोन की भी पेशगोई है कि स्टोन होगा। तो देखते हैं, आपको बताएंगे। बोनटोन न्यू जर्सी का एरिया है। मैं जरा पहले डंकिन डोनट से कॉफ़ी पी लूँ, हसबे मामूल जो है मैं कॉफ़ी यहाँ आके पीते रहता हूँ। चले, कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। और बाहर देखिए, अभी म्यूनिसिपल वालों ने जो है ना ये रोड पे सॉल्ट भी बिछा रखा है, ये अभी ट्रक आके, ताकि जो बर्फ अगर रोड पे गिरे तो कम से कम ये पिघल जाएगी और गाड़ियों को आसानी से रास्ता मिल जाए, क्योंकि ठंडा सर्द मौसम भी हो रहा है। तो नॉर्मल कॉफ़ी तो मैं पीते ही रहता हूँ, तो मैंने कहा कॉफ़ी पी ली जाए। यहाँ कॉफी से करीब ही है मेरा ये कॉफ़ी का दिन लॉग। सर्द मौसम में बर्फबारी होने से पहले देखें, ये सामने ट्रक जो है ये नमक छिड़क रहे हैं यहाँ पे पार्किंग लॉट में और रोड पे और सब जगह, ताकि जैसे ही बर्फ यहाँ पड़े और स्टॉर्म हो तो फौरन ही रास्ता क्लियर हो जाएगी। अभी 1 घंटा के करीब बाकी है, बर्फबारी होने वाली है, स्टॉर्म की पेशगोई है। थोड़े थोड़े वाइट बर्फ ऐसे गिरती भी नजर आ रही है थोड़े थोड़े पास में, मगर 3 बजे से जो है ना यहाँ बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ये देखिए ट्रक जो आ रहा है, ये नमक छिड़क रहे हैं ये लोग ताकि रास्ता क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ के जो टाउन के जो ऑफिस हैं, सर्द मौसम अच्छा मौसम है तो मैं डंकिन की जो है कॉफी का भी मजा ले रहा हूँ। ये ट्रक के देखे लैंडस्केपिंग कर रहे हैं, ये नमक छिड़क रहे हैं रोड पे ताकि रोड जो है क्लियर रहे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए 1:45 बजे जब मैंने आपको ये जगह दिखाई थी तो बिल्कुल साफ था जो है, और 3 बजे से बर्फबारी हो रही है। तो अभी आप देख लें कि देखिए कितना बर्फ गिरा हुआ है हर जगह, और अभी भी बर्फ पड़ रही है यहाँ पे। ये वही जगह है जो मैंने 1:45 बजे आपको दिखाई थी, वो बिल्कुल बर्फ नहीं थी, और इस वक्त देखो कंटिन्यू बर्फबारी हो रही है। और ये वही पोर्शन है जो मैंने आपको दिखाया था 1:45 बजे, और इस वक्त 4:30 बज रहे हैं, दोपहर के 4:30 बज रहे हैं। क्योंकि मैं ऑफिस से ऑफ हुआ हूँ तो बेटे ने कहा था कि मैं खुद आपको पिक कर लूंगा, और मेरा घर चूंकि यहाँ से 4-5 मिनट के फासले पर ही है बाई रोड, तो क्योंकि अगर मैं गाड़ी लाता तो फिर मुझे भी गाड़ी साफ करनी पड़ती और इसको हीट करना पड़ता। तो बेटे ने चूंकि कहा था, चूंकि सैटरडे भी है तो उसका ऑफिस भी ऑफ है, तो उसने कहा था मैं पिक करूंगा। तो अभी मेरा बेटा यहाँ से आ जाएगा, तकरीबन 4-5 मिनट की ड्राइव पर है। ये मेरी रिहाइश जो है इस जगह जो रेजिडेंस का एरिया नजर आ रहा है आपको इस पोर्शन में। तो अभी बेटे को मैं फोन करता हूँ तो वो मुझे आके पिक करता है। तो आपको मुझे ये दिखाना था कि देखें, और ये कल संडे तक इस तरह ही चलती रहेगी, और बल्कि इसकी तो ये भी
अंदेशा है कि इतनी ज्यादा बर्फबारी होगी कि 5-6 फीट के करीब ऐसे बता रहे हैं ये। अभी भी चल रही है देखिए आप, कंटिन्यू बड़ा अच्छा मौसम जबरदस्त हो गया है। देखिए आप, ये जो मैंने 1:45 बजे सामने डंकिन रोड से जो मैंने कॉफी पी थी बिल्कुल साफ था, और इस वक्त देखें, अब मैं फोन कर देता हूँ बेटे को तो वो मुझे आके पिक कर ले, क्योंकि उसने सही कहा था कि भाई आप जब ऑफ करेंगे तो जब तक आपकी गाड़ी पे बहुत सारी बर्फ पड़ी होगी और आपको हीट करना पड़ेगा और टाइम लगेगा। और चलो ये तो अच्छा है कि अभी 4-5 मिनट नहीं है, 3 बजे से शुरू हुई है बर्फबारी, इस वक्त 4:30 बजे, 1.5 घंटा है और कल तक चलेगी, संडे तक। चले फिर आपसे आगे बढ़ते हैं। मेरा बेटा भी पहुंच चुका है, मैं समझ रहा हूँ पीछे वाली गाड़ी हमारी कैसा है, सही तो डाल दो, है डाल दो ना, मैं जरा इंजॉय कर रहा है ना। हाँ गाड़ी में अपनी चला के लेकर आए ना। हाँ अगर आप चला रहे होते ना, नहीं अच्छा हुआ मैं गाड़ी लेके नहीं आया, वरना ये देखो ना गाड़ी को कौन साफ करता है, और बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ टाउन वाले जो है ना कंटिन्यू सड़क को सफाई के काम में भी लग जाते हैं, जैसे ये ट्रक वाला है देखे, ये लोग जरा सा भी बर्फ जो है वो तो जमा नहीं रहने देते यहाँ पे। और साफ करते रहते हैं फौरन फौरन। वैसे इनके ट्रैक वगैरह आ रहे हैं और लोग सफाई वफाई तो कर रहे हैं, तो ये वाले रोड ये देखो वाले ये अंदर वाले करते हुए शायद, मगर ये मेरे ख्याल में ये तो अब फास्ट हुई है, 3 बजे से शुरू हुई थी, अभी करेंगे जब अच्छी खासी हो जाएगी। तो अपने घर के पास क्या पोजीशन है वहाँ पे, भरा हुआ है? अच्छा समझो इसके ऊपर तो अभी इधर तो रुकी नहीं थी, मैं तो था कि नीचे जाएगी डायरेक्ट गाड़ी, तो ये क्या अपने पुल नीचे पुल उतरते हुए वो स्लिप करती है क्या, रुकती नहीं है, रोकना अगर हो ना तो हाँ तो रोकती नहीं। हाँ समझ को इधर चढ़ाना भी है ना। हाँ चलो ये तो खाली अच्छा वो स्लिप होती होगी ना रोकते हुए जो है, मगर हमारे यहाँ तो टायर इनके तो होते है ना कि यहाँ टायर जैसे बर्फ जो है ना वो जैसे कपड़ों उधर जाना है ना। हाँ उसके लिए बर्फ है। हाँ सिलो ले जाओ। हाँ वैसे प्रॉब्लम तो हो रहा है चलाने में ना, जाम हो रही है। मैंने अच्छा ही कहा था कि भाई वो नहीं लेके जाओ, क्योंकि फिर मैं मेरे लिए तो प्रॉब्लम होता है, एक तो पहले गाड़ी हीट करते और ये करते और बड़ा मसला हो जाता ना, ये अच्छा आइडिया था। वॉलमार्ट भी आज बिल्कुल सन्नाटे में है, वॉलमार्ट ये इन लोगों ने सबने 2-2.5 बजे तक सारे लोगों ने शॉपिंग कर ली है ना, जितना भी तो।